हेलो गाइस, वेलकम ऑन योर चैनल माय इंजीनियरिंग सपोर्ट। फ्रेंड्स, आज हम बेसिकली बात करेंगे कि प्लास्टिंग में सैंड और सीमेंट की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले भी मैं इसके चार पार्ट बना चुका हूं। अगर आपने ये वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, प्लास्टिंग क्वांटिटी कैलकुलेशन से पहले कुछ बातें हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। कि नंबर वन, हमेशा वॉल प्लास्टिंग का सीमेंट सैंड का रेशो 1:6 होता है। सीलिंग प्लास्टिंग में यह रेशो 1:4 होता है और प्लास्टिंग की थिकनेस कभी भी 12 mm से लेकर 15 mm तक ही होती है। ओके गाइज, ये ध्यान रखना। चलिए अब कैलकुलेशन देखते हैं। तो हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे 100 स्क्वायर मीटर एरिया की प्लास्टिंग के लिए कितना सैंड और सीमेंट लगेगा, जिसमें थिकनेस 12 mm है और रेशो ऑफ मोर्टार 1:6 का है। तो हमें क्या क्या पता है? पहला तो वॉल एरिया जो है 100 स्क्वायर मीटर, दूसरा रेशो है 1:6, तीसरा थिकनेस ऑफ प्लास्टर है 12 mm। तो क्योंकि हमारा एरिया स्क्वायर मीटर में है तो प्लास्टिंग थिकनेस को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया 12/1000 = 0.012 meter। तो वॉल्यूम ऑफ मोर्टार हो गया प्लास्टिंग एरिया इंटू थिकनेस। तो वॉल्यूम 100 × 0.012 cubic meter = 1.2 cubic meter। तो ये आ गया हमारा प्लास्टिंग मोर्टार वॉल्यूम। बट ये वॉल्यूम सीमेंट मोर्टार का वेट वॉल्यूम है, पानी मिक्स करने के बाद जो वॉल्यूम हमें अचीव होता है। पर हमें ड्राई वॉल्यूम चाहिए, तो ड्राई वॉल्यूम हमारा 1.54% ज़्यादा होता है वेट वॉल्यूम से। इस पर भी मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो ओरिजिनल ड्राई वॉल्यूम हो गया हमारा 1.54 × 1.2 = 1.848 cubic meter और सीमेंट सैंड का रेशो हो गया 1:6 = 7। ओके गाइज, अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं सीमेंट। तो सीमेंट क्वांटिटी है हमारी टोटल वॉल्यूम में सीमेंट रेशो के इक्वल, 1/7 portion ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेंट क्वांटिटी। तो ये हो गई 1/7 × 1.848 = 0.264 cubic meter। और आप जानते हैं डेंसिटी ऑफ सीमेंट होती है 1440 kg/cubic meter। तो ये आ गई 0.264 × 1440 = 380.16 kg। और एक बैग में सीमेंट होता है 50 kg, तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग हो गए 380.16 / 50 = 7.60 bags। ओके गाइज, अब ऐसे ही सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे बाय सेम फॉर्मूला। तो सैंड क्वांटिटी है हमारी टोटल वॉल्यूम में सैंड की रेशो के इक्वल, मींस 6/7 portion ऑफ टोटल वॉल्यूम। तो सैंड क्वांटिटी हो गई 6/7 × 1.848 = 1.584 cubic meter और डेंसिटी ऑफ सैंड होती है 1660 kg/cubic meter। तो ये हो गई 1.584 × 1660 = 2629.44 kg सैंड क्वांटिटी 400 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए। तो यहाँ हमने स्क्वायर मीटर में कैलकुलेशन की है, पर आप ऐसे ही इसी सेम फॉर्मूले से इसे स्क्वायर फीट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके गाइज, तो रिक्वायर क्वांटिटी सीमेंट हो गई हमारी 7.60 bags, रिक्वायर्ड सैंड क्वांटिटी हो गई हमारी 26 quintal 100 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए, जिसकी थिकनेस 12 mm है और 1:6 के रेशो के साथ। ओके गाइज, तो बस यही सिंपल सा मेथड है मोर्टार के मेटल की क्वांटिटी निकालने का। तो उम्मीद करूंगा कि अब आप इसे अच्छे से समझ गए हैं और ये जानकारी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ को देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, जल्द मिलता हूँ हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा, धन्यवाद।